बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले हम डिस्कशन करते रहे हैं अलजबरा के अंदर टॉपिक्स पर। लास्ट टाइम हमने जो है वो डिस्कस किया था लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना इन वन वेरिएबल। सो अभी हम जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फैक्टराइजेशन, और हम इसको जो है वो बिल्कुल सिंपल से करना स्टार्ट करेंगे, फैक्टराइजेशन। सो इसके अंदर जो हम स्टार्टिंग करेंगे फैक्टराइजेशन की, वो हम सबसे बेसिक मेथड है जिसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन बाय बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, या आप कह सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला के थ्रू, फार्मूला, या आप परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला भी कह सकते हैं। सो वो फार्मूला क्या होता है? वो दो फार्मूलाज हैं, हम पढ़ते आ रहे हैं सिंस आर 8th क्लास, बट लाइक इफ यू आर एन स्टूडेंट फ्रॉम 6, अगर आप 6ठी क्लास के या 7वीं क्लास के हैं, तो ये फार्मूला ये होता है कि जब भी आप ए प्लस बी के ऊपर स्क्वायर देते हैं तो इसका जवाब जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ये कहाँ पर ये लिखा हुआ है? तो इसका मतलब कि आप उसको यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से, और अगर कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है तो उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं इस पूरे की फॉर्म में, और ये आप प्रूव भी कर सकते हैं क्योंकि आपने पहले ही मल्टीप्लिकेशन करना सीखी है पिछली वीडियोस के अंदर, तो आप ये कर सकते हैं। और दूसरा आपके पास होगा ए माइनस बी का स्क्वायर, जब भी होगा तो आप क्या करेंगे, पहले टर्म का स्क्वायर माइनस और फिर पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर। अब यहाँ पर भी यही मतलब है कि कहीं पर अगर ये चीज़ लिखी हुई है तो उसको आप इस तरह से लिख सकेंगे, और अगर कहीं पर ये चीज़ लिखी हुई है तो उसको आप ऐसे लिख सकेंगे। लेकिन फैक्टराइजेशन के अंदर हम अमूमन क्या करेंगे, ये साइड हम बनाएंगे और फिर उस साइड को हम इस साइड में कन्वर्ट करेंगे कंपैक्ट में, या फिर इस तरह से एक्सप्रेशन को लिखेंगे और फिर इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब भी फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसके अंदर एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है, सबसे पहले जितने भी आपके पास टर्म्स होंगे ना एक्सप्रेशन के अंदर, तो एक चीज़ होती है कॉमन, अगर कोई है तो उसको निकाल लेंगे। कॉमन क्या होता है, वो हमेशा फैक्टराइजेशन में सबसे पहले उसको कंसिडर किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से, कोई ज़्यादा हम इसके ऊपर जो है वो टाइम ज़ाया नहीं कर रहे। तो पहला एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ है 2x² प्लस 12x प्लस 18। अब इसको मुझे करना है फैक्टराइज। सबसे पहली बात ये है, लेट्स सॉल्व इट। सो यू हैव टू फैक्टराइज इट, इसके फैक्टर करने। तो सबसे पहली चीज जो आपके जहन में आनी चाहिए, क्या कोई टर्म या कोई एक्सप्रेशन या कोई नंबर इन तीनों में कॉमन है? व्हाट डू आई मीन बाय हैविंग कॉमन, आई मीन कि क्या कोई ऐसा नंबर है, अगर नंबर की बात करें, कि जिससे इसको भी डिवाइड कर सकें उसी नंबर से इसको भी और इसको भी, या कोई ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, या कोई समटाइम्स वेरिएबल भी हो सकता है जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा हो। तो यहाँ पर टू एक ऐसा जो है ना वो नंबर है जो तीनों को डिवाइड करता है, तो आप क्या करेंगे, टू को लेंगे कॉमन। अब ये टू इस को डिवाइड करेगा, जब 2x² को जब आप 2 से करेंगे डिवाइड तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास x² रह जाएगा, तो यहाँ पर x² आ जाएगा प्लस, फिर आप इसको 12x को इसको भी आप 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि कॉमन हमने 2 लिया हुआ है, तो ये 6 टाइम्स डबल जाएगा, ये 6x बन जाएगा, तो ये 6x हो जाएगा। फिर 18 को 2 से डिवाइड करेंगे आप, ये 9 आ जाएगा, तो इसका मतलब प्लस का 9। अब ये कॉमन जो है ये हमारा कॉमन हो गया, इसको हम बाहर रहने देंगे। बाकी इसके ऊपर जब ये तीन एक्सप्रेशन होते हैं तो हम सबसे पहला अटेम्प्ट जो देंगे, कोशिश करेंगे कि हम देखेंगे कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम पहला टर्म करेंगे, इसको स्क्वायर करके लिखेंगे, और इसको लास्ट टर्म करके इसका स्क्वायर करके लिखेंगे। याद रखें इस पहले इस लास्ट टर्म की ये वाली साइन हमेशा प्लस की होनी चाहिए, पहले टर्म को स्क्वायर करके रखेंगे लास्ट को भी, फिर हम करेंगे टू और पहला टर्म और फिर दूसरा टर्म,
अब हम इसको करते हैं सिंपलीफाई और देखते हैं कि क्या ये वाकई इसके बराबर है। तो ये एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा, अगर आप इसको सिंपलीफाई थोड़ा सा करके देखें तो ये एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ये भी आपका ये 2 3 6 x आ जाएगा, ये ना। तो इसका मतलब ये जो चीज़ है हमारे पास, ये वाली चीज़, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और फिर जब हम ऐसे लिख सकते हैं तो फिर हमें पता है कि ये वाली जो चीज़ हमने लिखी है ये कुछ भी नहीं है। इस पूरी को फिर हम ऐसे भी बंद कर सकते हैं, पहला टर्म यहाँ से साइन उठाते हैं प्लस, और ये लास्ट टर्म फिर इसको स्क्वायर करके रखेंगे। तो ये आप फैक्टराइजेशन हो चुकी है इसकी, जो कि था 2x² + 12x + 18। अब ये हमारा है 2 x + 3 होल स्क्वायर। तो ये जो है ये फैक्टराइजेशन हो चुकी है इस वाले की, और ये फैक्टराइज फॉर्म है इसकी, ठीक है। अच्छा, ये फार्मूला इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये फार्मूला इम्पॉर्टेंट है। a² + 2ab + b² ये हमारा जो है, हम क्या करते हैं, पहला टर्म रखते हैं और फिर लास्ट टर्म रखते हैं, लेकिन यहाँ से साइन उठाते हैं, ये प्लस, ये लास्ट टर्म, इसको स्क्वायर करके ऐसे रखेंगे आप लोग। लेट्स कंसीडर अनदर एग्जांपल, चलें जी एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। नाउ कंसीडर 20a² + 60a + 45, ठीक। अब देख सकते हैं ना आप, इस तीनों के अंदर कुछ कॉमन है, तो g कॉमन है, और वो क्या कॉमन है, वो कॉमन है आपका 5। 5 एक ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी और इसको भी, तो 5 आप कॉमन लेंगे। और ये आपका, अब स्पेसिफिकली वो बड़ा नंबर चूज करेंगे जो हाइएस्ट, इन अदर वर्ड्स HCF, इन तीनों का अगर अदर देन 1 है तो वो HCF निकाल कर उससे सारों को डिवाइड कर लें, तब भी आपका वो कॉमन निकल जाएगा। 5 इस केस में इनका ऐसे समझे HCF ही है, तो ये आपके पास आ जाएगा 4a² + ये आपके पास आ जाएगा 12a, और ये आपका 9 बन जाएगा। अभी हम इसको जो है फिर कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे फार्मूला के अंदर। ये 5 ऐसे ही रहेगा, ये 4a² है ना, इसको आप 2a² करके लिख सकते हैं, और ये लास्ट टर्म है ना, इसको आप 3 का स्क्वायर करके लिख सकते हैं। बीच में +2, ये पहला टर्म और ये उसके साथ दूसरा टर्म। अब आप इसको देखें तो ये 4a² बन जाएगा, ये भी ऐसे बन जाएगा, और ये टर्म भी इसके बराबर। तो इसका मतलब ये जो चीज़ है मेरी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और फिर ये मेरा फार्मूला बन चुका है सीधा सीधा। तो अब मेरा ये 5 × ये पहला टर्म उठाएंगे 2a, यहाँ से साइन उठाएंगे प्लस की, और ये फिर ये लास्ट टर्म उठाएंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये आपके फैक्टर हो गए इस वाले के। इसका मतलब है कि ये 20a² + 60a + 45 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 2a + 3 का स्क्वायर। एक और मिसाल कंसीडर करते हैं, चलें जी अगली मिसाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसीडर 144x² - 4x + 1/36। इसमें कोई कॉमन नज़र नहीं आ रहा है सच, अगर आप ज़बरदस्ती कोई स्नैच करें तो और बात है। तो आप इसको ऐसे ही अगर हम बनाने की कोशिश करें, बाय द वे विदाउट टेकिंग कॉमन भी आप इसको जो है वो परफेक्ट स्क्वायर में कर सकेंगे, कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये आपका बनना चाहिए 12x² और फिर ये लास्ट वाला आपका होना चाहिए 1/6 का स्क्वायर। तो ये आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिल जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिल जाएगा। बीच में आपका 2 आएगा माइनस का, और 2 के साथ ये, और फिर ये 1/6। अभी इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2, इसको 3 टाइम्स डबल जाएगा 6 पर और 3 का 4। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जो पूरा मेरा एक्सप्रेशन है ये वाला, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और फिर ये फार्मूला बन चुका है। अगर आप इसको रियलाइज करें ना, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, और उनका स्क्वायर्स पड़े हुए हैं लास्ट में, जिस तरह a² यहाँ पर b² होता है, और बीच में माइनस का 2a भी पड़ा हुआ है। तो फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12x पहला टर्म, यहाँ से साइन माइनस की, और 1/6 का स्क्वायर। तो अब ये फैक्टर बन चुके हैं।
तो इसके ये फैक्टर्स हैं, इन अदर वर्ड्स ये इसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म है। एक अगली मिसाल करें, चलिए जी लेट्स कंसीडर दिस एग्जांपल। वी हैव 3x² - 48xy और +192y². अब इन तीनों टर्म्स के अंदर भी एक चीज़ कॉमन है, ये थ्री ऐसा टेबल है जो तीनों को डिवाइड करता है। तो इन अदर वर्ड्स ये थ्री एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों का HCF है। थ्री को कॉमन लेते हैं और थ्री को इससे डिवाइड करेंगे तो x² आ जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो -16xy आएगा, इसको थ्री से डिवाइड करेंगे तो ये 192 को आप थ्री से डिवाइड कर लें तो ये 6 टाइम जाएगा, 1 2 एंड इट शुड गो 4 टाइम्स, राइट, आपके पास 64 आएगा। ठीक है, तो अब आप इस थ्री को रखें, आप इसको फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं और फिर आप रियलाइज कर सकते हैं कि इस x² को आप x का स्क्वायर करके लिखें और इस 64 को भी आप एक स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं जो कि है 8 का स्क्वायर, और फिर आप माइनस का 2 8 64y होना चाहिए था। आई एम सॉरी, दिस शुड हैव बीन 64y² तो यहाँ पर ये 8y² होना चाहिए था, तो यहाँ पर आएगा आपके पास -2 x 8y। तो यहाँ पर ये 64y² होना चाहिए था जो कि मैंने सिर्फ 64 लिख दिया था गलती में। तो अब ये फिर फार्मूला में आप इसको बंद कर सकते हैं, पहला टर्म यहाँ से उठाएंगे x, यहाँ से साइन उठाएंगे माइनस है वो इस केस में, और ये आपका फिर लास्ट टर्म 8y और इसका ये स्क्वायर। तो इस तरह ये आपका फैक्टराइज हो चुका है यहाँ पर। चलें जी लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन जो कि आपको बोर्ड पर अभी नज़र आ रहा है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि 2 को हम एज अ कॉमन ले सकते हैं, कोई उससे बड़ा नंबर है तो आप ट्राई कर सकते हैं, बट मुझे जो है 2 नज़र आ रहा है, 2 को आप कॉमन लें तो यहाँ पर आपके पास 98 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 49c² आ जाएगा और यहाँ पर 70cd आएगा और यहाँ पर 25d² आएगा। अब फिर इसको हम जो है फार्मूला में बंद करने की कोशिश करेंगे, पहले हम इसको सेट करके रखेंगे कि क्या ये वाकई फार्मूला बनता है। उसके लिए पहले को स्क्वायर करके रखना है, ये 7c का स्क्वायर है और ये लास्ट वाला भी किसी नंबर का स्क्वायर है और वो है 5d का स्क्वायर, बीच में -2 ये पहला टर्म और ये लास्ट टर्म। नाउ क्योंकि अब ये आप सिंप्लीफाई करें तो ये आपको ये देगा 49c स्क्वायर, यहाँ से आपको ये मिल जाएगा और यहाँ से ये मिल जाएगा, तो इसका मतलब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो उसके बाद फिर इसको आप फार्मूला में वापस कर दें क्योंकि अब ये फार्मूला बन चुका है, पहले टर्म का स्क्वायर -2 × पहला टर्म और दूसरा टर्म और फिर दूसरे टर्म का स्क्वायर, तो ये -7c यहाँ से और यहाँ से साइन उठाएंगे माइनस, ये आपका 5d हो जाएगा और ये स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से ये आपका फैक्टराइज होके इसमें कन्वर्ट हो गया। इस तरह से एक और मिसाल भी कर लेते हैं हम लोग लास्ट, चलें एक और लास्ट एग्जांपल है, x³ - 12x² + let's say 36x। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं इसकी। तो सबसे पहली चीज़ आप देख सकते हैं कि इसमें कोई नंबर कॉमन नहीं है, लिहाजा x एक ऐसा वेरिएबल है जो तीनों के अंदर आ रहा है, तो हम x को भी कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन चला जाएगा, x³ को आप x से करें डिवाइड तो आपके पास x² आ जाएगा, तो इसकी जगह x², फिर -12x² है उसको आप x से डिवाइड करें तो यहाँ पर -12x आ जाएगा, तो ये -12x, फिर आप 36 को जो है वो x को x से डिवाइड करें तो ये 36 आ जाएगा, तो ये +36। अब इसको आप फार्मूला में बन सकते हैं, बन कर सकते हैं, +6 का स्क्वायर है ये और ये -2 × x 6। अब ये चेक किया हमने तो इस यहाँ से ये मिल रहा है, यहाँ से ये मिल रहा है और यहाँ से ये, तो लिहाजा मैं इसको लिख सकता हूँ पहला टर्म x माइनस यहाँ से और ये 6 ये स्क्वायर। तो इसका मतलब ये इसको ऐसे आप फैक्टराइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह वी विल बी डूइंग ब्रेकिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन।